आप देख रहे हैं जी न्यूज, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में पेश होने के लिए आडवाणी सीबीआई कोर्ट पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती की पेशी होनी है। बीजेपी सांसद कटियार साध्वी रितिम्बरा भी कोर्ट पहुंच चुके हैं। कुछ देर पहले यूपी के सीएम आदित्यनाथ गेस्ट हाउस पहुंचे थे और आडवाणी से जाकर उन्होंने मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ आडवाणी को छोड़ने के लिए बाहर आए और सभी को कोर्ट भेजने के बाद ही गेस्ट हाउस से रवाना हुए। पेशी से पहले केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि कोर्ट वो अपराधी नहीं है। बीजेपी सांसद विनय कटियार ने कहा है कि कोर्ट ने उन्हें दोषी नहीं माना है, अभी सिर्फ आरोप लगे हैं। इससे पहले इन नेताओं को 26 मई को अदालत में पेश होना था, लेकिन तब अदालत में इन नेताओं के वकीलों ने हाजिरी माफी की अपील की थी, जिसके बाद अदालत ने 30 मई को इन नेताओं को हर हाल में अदालत में पेश होने को कहा है। इस खबर पर पल पल की अपडेट के लिए लखनऊ में जी मीडिया के रिपोर्टर मौजूद हैं और जैसे ही कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी, जी न्यूज आप तक हर खबर पूरी विश्वसनीयता के साथ पहुंचाएगा। इस खबर पर कई लोगों की प्रतिक्रियाएं भी हमें लगातार मिल रही हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे और साथ ही तस्वीरों की विश्वसनीयता पर भी आप भरोसा कर सकते हैं। इस मामले में हम आपको बता दें, आरोपी महंत राम विलास वेदांती ने कहा है कि अगर कोर्ट जो भी फैसला सुनाए वो उन्हें मंजूर होगा। और यदि आजीवन कारावास होता है, जेल होता है, तो जेल जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा, इसके लिए हम लोग कटिबद्ध है। कैसे होगा सर? होगा कि केंद्र में है, राज्य में है? केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, दोनों जगह भाजपा की सरकार है। योगी और मोदी जी दोनों लोग मिलकर के अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास, केवल मुझको नहीं देश की जनता को विश्वास है। तो लखनऊ के सीबीआई स्पेशल कोर्ट में आज क्या होगा और 12 लोगों की पेशी के दौरान कोर्ट क्या करेगा, इस पर नजर डाल लेते हैं। 1992 विवादित ढांचे मामले में 12 लोगों की पेशी हो रही है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में 12 लोगों पर आरोप तय होंगे। आपराधिक साजिश, दो समुदायों में नफरत फैलाने पर ये आरोप तय हो सकते हैं। अखंडता के खिलाफ बयान, सामाजिक शांति भंग करने पर भी आरोप तय संभव है। 2 साल में ट्रायल पूरा करेगी लखनऊ की स्पेशल कोर्ट। लखनऊ एडिशनल सेशन जज 4 हफ्ते में चार्ज तय करेंगे। लखनऊ में रोजाना सुनवाई होगी, स्थगन की इजाजत नहीं है और फैसला आने तक सुनवाई कर रहे जज का ट्रांसफर नहीं होगा। और इस बीच उमा भारती ने कहा है कि वो कोर्ट का सम्मान करती हैं, इसलिए पेश हो रही हैं। वहीं बीजेपी सांसद विनय कटियार ने कहा है कि वो अभी दोषी साबित नहीं हुए। शुरू से कह चुकी हूं, मैंने आंदोलन में भागीदारी की है। मैं 6 दिसंबर को अयोध्या में मौजूद थी और ये भागीदारी खुली हुई थी और इसमें तो भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता, लाखों अधिकारी और हजारों नेता शामिल हुए हैं, सारे ही नेता। तो इसलिए इसमें ऐसी कोई बात कहीं मुझे मिली नहीं ना आज तक की कोई साजिश थी। ये तो खुला आंदोलन था, जैसे इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन हुआ था वैसा था ये तो। अब इस आंदोलन में क्या साजिश थी मुझे पता नहीं ना। अभी तो माननीय कोर्ट को मैं मानती हूँ, तो मैं तो कोर्ट का सम्मान रखने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि मैंने पूरी आस्था से भागीदारी की है, तो मैं अपने आप को अपराधी भी नहीं मानती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने हम लोग दोषी नहीं माना, अभी तो ये कहा है केस चलेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हाई कोर्ट ने भी, जहां भगवान रामलला विराजमान है और जिस स्थान के लिए हमारा संघर्ष चल रहा है, उसको उन्होंने हमारी राम की जन्मभूमि मानी है और कहा है ये रामलला जहां विराजमान है यही राम की जन्मभूमि है। ये हाई कोर्ट ने कह दिया, तो जब हाई कोर्ट ने कह दिया तो केस किस बात का है। और जानकारी के लिए इस वक्त हम सीधे रुक कर लेते हैं। हमारी सहयोगी अमिता पारुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अमिता, आज की ये जो पेशी होने जा रही है, बीजेपी के कई नेता वहां पर पहुंच चुके हैं, ये बताइए जरा आम लोग ये समझ पाएं कि ये पेशी जो आज की है अदालत में वो कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी अहम है और आज कोर्ट में क्या होने वाला है। बिल्कुल मीमांसा, आम दर्शकों के लिए अगर हम इस पूरे केस को देखें, 92 में जिस तरह से विवादित ढांचा गिराया गया, इस पूरे मामले में 2 केस दर्ज किए गए थे। एक तो विवादित ढांचे को गिराए जाने में जो लोग दोषी थे उनके खिलाफ था और दूसरा जो साजिश रची गई विवादित ढांचे को गिरा
तो जो साजिशन जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगा था उसमें कई लोगों को ड्रॉप कर दिया गया था, लेकिन बाद में जब सुनवाई चलती रही और अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि दोनों ही मामलों को एक साथ सुना जाएगा, इस समय मैं जिस सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के सामने खड़ी हूँ एक नज़ारा आपको दिखाती हूँ। थोड़ी देर पहले ही जो तमाम 12 आरोपी हैं वो कोर्ट के अंदर गए हैं। ये जो बार बार हम जिन 12 आरोपियों की बात कर रहे हैं, जो साजिश की बात आ रही है मानसा, जो दूसरा केस था जिसमें साजिश की बात थी कि विवादित ढांचे को गिराए जाने की साजिश रची गई, ये लोग उस केस से जुड़े हुए हैं। और चूंकि अब दोनों ही मामले सीबीआई की इसी स्पेशल कोर्ट में चलेंगे, लगातार सुनवाई होगी। आज ये सुनवाई अहम इस लिहाज से है क्योंकि ये जो 12 आरोपी हैं उसमें मुरली मनोहर जोशी, रामविलास वेदांती, नित्य गोपाल दास महाराज जो कि अयोध्या से हैं, उमा भारती, ये सब लोग, लाल कृष्ण आडवाणी अभी कोर्ट पहुंचे हुए हैं। कोर्ट की प्रोसीडिंग जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि आरोप तय आज किए जाने हैं इन सभी लोगों के खिलाफ। जिस तरह से 120 बी जो कि साजिश की आईपीसी की धारा है, उसके अलावा 153A, 153B, ये तमाम धाराएं हैं जो बताई गई हैं जिसके तहत इनके सभी के खिलाफ आरोप तय हो सकता है। तो अब ये देखना है कि कोर्ट क्या फैसला लेती है और किसके खिलाफ कौन सी धारा के तहत आरोप तय होता है। तो सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है और इंतज़ार है अब कोर्ट की जो सुनवाई है उसके आगे बढ़ने का। इसी लिहाज से ये आज की सुनवाई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 25 साल हो गए हैं इस केस को और इतना लंबा वक्त गुजर चुका है। कई ऐसे आरोपी जिनके नाम पहले हटा दिए गए थे केस से, उनको बाद में इंक्लूड किया गया है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि इन सब मामलों की सुनवाई एक साथ होगी। तो जल्द से जल्द इस केस को लेकर, चूंकि जो दूसरा मसला था मीमांसा उसमें कई लोगों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है और ये जो 12 आरोपी हैं इनके खिलाफ आज जब आरोप तय हो जाएगा तब कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तो जाहिर है उस लिहाज से आज की सुनवाई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी आप जुड़े रहिए अमिता, क्योंकि ये जो केस है बहुत ही पुराना जरूर है लेकिन पॉलिटिकली ये बहुत ही सेंसिटिव केस भी है और लगातार इसी वजह से हम वहाँ पर जो ये कार्रवाई चल रही है हम पल पल की जानकारी अपने दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि कोर्ट में आज महंत धर्मदास भी पेशी के लिए पहुँचे हैं। उनका कहना है कि इस मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। हम तो उसमें मालिक है, हमने मूर्ति 1949 में हमारे गुरु रखे, 92 में जो ढांचा गिरा उसके बाद में मूर्ति हमने रखा, वो हमारा पहले से, सभी मुसलमानों ने भी, अयोध्या के सभी मुसलमानों ने उस समय के सभ्य हल भी लगाए थे कि राम जन्मभूमि हिंदुओं के दे दिया जाए। अभी हमारे पास कागज है, कहिए दिखा देंगे। आज सभी के सभी ने सब काम हो चुका था, ये तो एक हाथ के ककरी या 9 हाथ के बिया बना दिया गया है। और एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं, अमिता पारुल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अमिता, जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें वेदांती की ओर से बात कही गई थी कि जितने भी ये बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी हों, उमा भारती हों, आडवाणी हों, वो तो बाद में वहां पर ढांचा गिराए जाने के बाद पहुंचे थे और उसमें उनका कोई रोल नहीं है। ये जो उनका बयान था, ये जो आज ये आरोप तय होने हैं अदालत में, क्या असर इसका पड़ सकता है वो जो बयान वेदांती ने दिया था? देखिए, वेदांती ने जो बयान दिया उस कोर्ट में कह सकते हैं या कोर्ट के बाहर जो भी बयान दिए जाते हैं वो उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन कोर्ट में अगर कोई कुछ कहता है तो जाहिर है कि उसका अपना एक महत्व होता है। वेदांती ने जो कुछ भी कहा वो चीज़ें कोर्ट के संज्ञान में लाई जाएंगी। और ज़रूर ये भी है कि आज की जो ये सुनवाई है इसमें सभी आरोपी अपना पक्ष तो रखेंगे ही, लेकिन जिस तरह से उमा भारती को हमने सुना वो ये कह रही हैं कि वो इस आंदोलन से जुड़ी रही हैं और कोर्ट के सम्मान में आज पेश रही है। पिछली जो सुनवाई हुई थी लखनऊ में उस पर एक निगाह डाल लेते हैं। सतीश प्रधान जो कि आरोपी है इस मामले में, वो ही सिर्फ पेश हुए थे और यही वजह थी कि स्पेशल कोर्ट ने ये बात कही कि आज का दिन मुकर्रर किया था कि सारे के सारे आरोपी पेश हों। कोर्ट का कड़ा रुख देखकर ही आज ये सभी लोग आए हैं। तो अब ये देखना है कि कोर्ट क्या कुछ अपने तरफ से फैसला लेती है। आरोप तय किए जाने की बात है और ये देखना होगा कि आरोप जो बार बार ये कहा जा रहा है कि तय
होंगे, किसके खिलाफ कौन सी धाराओं के तहत आगे मुकदमा चलेगा, उसी आधार पर आज कह सकते हैं कि कोर्ट अपना निर्णय लेगा। तो इस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि उमा भारती, विनय कटियार, मुरली मनोहर जोशी, ये सब लोग अपनी बातें कह रहे हैं, राम एक तरह से मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं, ये सभी नेता भाजपा के बड़े नाम है। जी, उमा भारती ने भी ये बात कही है, तो खुला आंदोलन था और कोई साजिश वाली बात तो इसमें थी ही नहीं, और सभी नेताओं की ओर से अपना अपना पक्ष रखा जा रहा है, और ये कोर्ट में जो है पेशी के लिए ये तमाम नेता वहां पर पहुंच चुके हैं, और लगातार हम इस खबर पर, बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, और आप तक हम अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे।